हिंदू नहीं तो किसी मुसलमान परिवार में हुआ होगा, मर्द के रूप में या बेटा के रूप में, नहीं तो आप बेटी या औरत के रूप में पैदा हुई होंगी। इन सब बातों को सामने रखते हुए आज हमें एक बात स्पष्ट अपने दिल में लेकर के जाएं, हमारी जो जिंदगी है, मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, इन बच्चों की जिंदगी, ये जिंदगी कौन देता है बताओ? ईश्वर देता है। जिंदगी कौन देता है? परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, हम जिसको भी मानते हो। मैं सब भाइयों को, बहनों को मैं राम राम करता हूं, सलाम करता हूं और आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जोहार करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हम सब एक परमात्मा की संतान है, एक अल्लाह की संतान है, उसकी औलाद है। और वो परमात्मा जब हमें दुनिया में भेजता है धरती पर, मुझे आप बताइए क्या वो हमें हिंदू या मुसलमान बनाकर भेजता है या इंसान बनाकर भेजता है बताओ? इंसान बनाता है। और वो इंसान बनाता है तो सब इंसान इंसान को बराबरी का दर्जा देकर के भेजता है या अमीर के बच्चे को ज्यादा बढ़िया सूरज, उसकी रोशनी और ज्यादा अच्छी हवा सांस लेने के लिए, और गरीब के बच्चे के लिए गंदा सूरज, गंदी हवा? परमात्मा क्या फर्क करता है अमीर और गरीब के बच्चे में? बोलो, नहीं करता। परमात्मा बेटा और बेटी में कोई फर्क करता है क्या? परमात्मा ब्राह्मण के बच्चे में और दलित के बच्चे में, हरिजन के बच्चे में कोई फर्क करता है क्या? सारी दुनिया के बच्चे जब मां के पेट से धरती पर आते हैं, ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की, अल्लाह ताला की कृपा से, वाहेगुरु की कृपा से, वो सब एक समान होते हैं। लेकिन हमारी शासन व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, ये सब कुछ गंदी, गलत, धर्म, मजहब और संप्रदाय के नाम पर ठेकेदारी गलत, वो जातिवाद पैदा कर देते हैं। ये बच्चा ब्राह्मण का है, ये बच्चा दलित का है, इसलिए नीच है, अछूत है। ऐसे धर्म को मानेंगे आप? बोलो, नहीं मानना हमें। वो हिंदू का बच्चा हो या मुस्लिम का बच्चा, सिख का या ईसाई का, जैन का, बौद्ध का, बहाई का, बच्चा बच्चा एक समान, और इसलिए मानव मानव एक समान। काला हो, गोरा हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, एक समान। ये किसका आदेश है? ये हमें बनाने वाले का आदेश है, जिसकी बदौलत हम जिंदा हैं। ये सांस जो चल रही है हमारी, उस परमात्मा की वजह से चल रही है। और आज हमें परमात्मा की कसम, हम पूरे देश में और दुनिया में एक बराबरी ला करके दिखाएंगे, समता मूलक समाज बना करके दिखाएंगे। हर बच्चे को, चाहे वो किसी के घर में पैदा हो गया है, उसको बाल मजदूरी करने की मजबूरी नहीं होगी, उसको स्कूल जाने की, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने की वही सुविधा मिलनी चाहिए। और केवल पढ़ाई पढ़ाई की नहीं, केवल पढ़ाई पढ़ाई की नहीं, उसका रोटी भी, कपड़ा भी, मकान भी, सब चीजें, उसका बिस्तर भी, सब अमीर और गरीब का एक जैसा होना चाहिए। गरीब और अमीर के बच्चे में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जब एक नया समाज बनाना है तो हमें इंसान इंसान को बराबर मान करके चलना पड़ेगा। मैं आता हूं कई बार आप लोगों के बीच में, मेरे कई भाई कई बहन मेरे पैर छूते हैं, वो देखते हैं साधु बाबा हैं, पैर छू लो, ये बहुत गलत रिवाज है। मैं और आप बराबर हैं। जो परमात्मा अल्लाह आपके शरीर और दिल में है,
वही मेरे पास है। मैं कोई ज्यादा बड़ा नहीं हूं, मैं आपके बराबर आपका दोस्त हूं, आपका मित्र हूं। कोई किसी के पैर नहीं छुएगा। आज के बाद आपको यह फैसला करना है कि हम अपने गुरु खुद बनेंगे, अपने पैगंबर खुद बनेंगे। हम किसी को भी गुरु धारण नहीं करेंगे, किसी के पीछे आंख मूंद करके नहीं चलेंगे, कोई पत्थर के देवता की पूजा नहीं करेंगे। पत्थर की मूर्ति को कारीगर बनाता है, 50 और 500 रुपए में बाजार में बिकता है। उस मंदिर को भी परमात्मा का, जो कहते हैं परमात्मा का मंदिर, राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, उसको कौन बनाता है? कोई कारीगर बनाता है, ईंट चूना सीमेंट से बनाता है। और ये जो हमारा शरीर है, बताओ इसको कौन बनाता है? इसको परमात्मा खुद बनाता है। हम इस मंदिर को मानेंगे या पत्थर वाले, ईंट चूना गारे सीमेंट वाले मंदिर को मानेंगे? हमें इस शरीर को मानना है। और हम सबके पास एक शरीर है, ये सबसे कीमती चीज है हमारे पास। आज के बाद कोई किसी के आगे झुकेगा नहीं, कोई किसी का पैर नहीं छुएगा। और हमें एक समतामूलक समाज बनाने के लिए, बराबरी का समाज, इंसान इंसान बराबर है, ये कसम लेकर के आगे बढ़ना है। आज हमारी असंगठित मजदूर कामगारों की रैली, मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे तमाम संगठन के साथियों को, दिल्ली श्रमिक संगठन और NAPM और बंधुआ मुक्ति मोर्चा और घर बचाओ घर बनाओ, ये बंबई से आए, झुग्गी झोपड़ी एकता मंच, ये हमारे कचरा कामगार अधिकार रैली, ये हमारे INTUCC के नेता और साथी, TUCC के साथी मजदूर, ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के लोग, AIKMM के साथी लखनऊ से लेकर दूसरे प्रांतों से, नासवी के साथी हमारे जो बहुत आगे बढ़कर के लड़ाई लड़ रहे हैं मकान के अधिकार के लिए, CSD कचरा कामगार यूनियन, अभी मैंने कहा बिल्डिंग एंड वुड वर्कर यूनियन, घरेलू कामगार यूनियन, और बहुत से यूनियन, बहुत से संगठन, मैं जिनका नाम नहीं बोल पाया। हम सब आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम छोटे छोटे यूनियन, छोटे छोटे संगठन में बटे रहेंगे तो हमारी आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। अब हम लोगों ने वर्किंग पीपुल चार्टर, एक मांग पत्र, एक घोषणा पत्र लेकर के सारे हिंदुस्तान के 45 करोड़ हैं हम, 45 करोड़। अपनी ताकत को समझो आप, हमारी संख्या कितनी है? 45 करोड़। और 5 करोड़ के लगभग बाल बंधुआ मजदूर भी हैं, जो पढ़ाई उनकी छूट जाती है पहली दूसरी पांचवी से पहले, वो किसी न किसी घर में, मकान में, दुकान में, खेत में, खदान में काम करते हैं छोटे बच्चे। 5 करोड़, वो दोनों को जोड़ोगे तो 50 करोड़। 50 करोड़ की ताकत है हमारी इस देश के अंदर। हम 50 करोड़ की ताकत वाले कमजोर नहीं है, लेकिन हमारा संगठन यदि बनेगा, और आज जितनी ताकत में आए हैं इससे हजार गुना ज्यादा ताकत से जब हम इकट्ठे होना सीख लेंगे, उसके बाद हल्ला बोला जाएगा। अभी तो हमने नारा नारा लगाया है, जिस दिन सचमुच का हल्ला बोलेंगे, ये पार्लियामेंट में बैठी हुई सरकार, इसको पसीना आने लगेगा, इसके कान बहरे कान के पर्दे फाड़ करके हम अपनी बात सुनाएंगे, हमारी आवाज में ताकत होगी। हम सभी मेहनत कश लोगों का संगठन चाहते हैं। हम कोई हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद के झगड़े लेके नहीं चलते। हम कोई जात पात के झगड़ों को नहीं मानते। औरतों को बराबरी का हक मिलना चाहिए जीवन के हर क्षेत्र में। और अभी मेरी बहन गीता रामकृष्णन चेन्नई मद्रास से चल के आई, तमिलनाडु से चल के आई, अभी हमारे नारायण स्वामी जी आंध्र प्रदेश तेलंगाना से चल के आए, गुजरात से चल के आए, उड़ीसा से चल के यहाँ लोग बैठे हुए, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, हमारे पत्थर खदान मजदूर, उन्होंने लड़ाई लड़ करके बंधुआ मुक्ति मोर्चा, अभी सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से लड़ लड़ करके
365 मकान उन्होंने अपने लिए बनवाए, 365 उसका उद्घाटन 16 अगस्त को होने जा रहा है। यदि बंधुआ मजदूर लड़ सकता है अपने लिए मकान सरकार और सुप्रीम कोर्ट से बनवा सकता है, तो हर हिंदुस्तान का गरीब नागरिक जिसके पास अपना मकान नहीं है वो अपना मकान बनवा सकता है। हर एक के पास जिसके अपना मकान नहीं है, अभी हम लोगों को हमारे मजदूर भाइयों को एक एक कमरे का मकान मिला है, एक कमरे में पूरा परिवार नहीं रह सकता। हमारी मांग है 2 बेडरूम का फ्लैट चाहिए, 2 बेडरूम 40 स्क्वायर मीटर वाला, जहां पर झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है हमारी, उसी जगह पर बहुमंजिला 25 मंजिल का बनाओ, 50 मंजिल का बनाओ, तुम इनके लिए बना सकते हो तो हमारे लिए क्यों नहीं बना सकते, हम ये मांग लेकर के आए। ये जो खून चूसने वाले बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, एक कमरे का किराया 20,000 रुपया, एक दिन का, एक रात का 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 50,000 रुपया एक रात का किराया, और बहुमंजिला एयर कंडीशन, और बनाता कौन है, ये गरीब मजदूर बनाता है। दूसरों के लिए आलीशान अट्टालिका बनाने वाला अपने लिए 2 कमरे का और छोटा सा फ्लैट नहीं बना पाता। आज हमारी लड़ाई, हम अपना मकान लेकर के रहेंगे, जहां पर झुग्गी है, जहां झोपड़ी है, वहीं पर हमारा मकान बना करके तुम्हें देना पड़ेगा, और वरना गद्दी छोड़ना पड़ेगा, हम ऐसी सरकार नहीं चलने देंगे। इस मांग को लेकर के आप फैल जाइए, बहुत बड़ा संगठन खड़ा कीजिए, और मजदूरी का रेट अभी हमारे साथियों ने आपको बताया, तपनदा ने आकर के बताया, सीपीएम के बड़े नेता हैं वो, और हमारी बहन ने बताया मजदूरी का रेट कम से कम 500 रुपया दिहाड़ी और 15,000 रुपया महीना। कितना? 500 रुपया दिहाड़ी और 15,000 रुपया महीना, ये है कम से कम। ज्यादा लेंगे इससे कम नहीं लेंगे, क्योंकि चपरासी जो काम करता सरकार के दफ्तर में उसको 500 रुपए रोज कम से कम मिलते हैं। वो 8 घंटे की ड्यूटी देता है, कमरे में पंखा चल रहा है, एक गिलास पानी इधर से उधर पिला देगा, एक आध फाइल कागज इधर से उधर रख देगा, इसके बदले में उसको मिलता है 500 रुपया रोज और 15,000 रुपया कम से कम महीने का। और मेरा ये जो मजदूर साथी, मेरी माँ बहन जो बैठे हैं, ये दिन भर 12-12 घंटे काम करते हैं, पत्थर खदान में, निर्माण में, खेत में, खदान, सब जगहों पर, ऐसे तमाम मजदूरों को, चाहे वो कचरा बीनने वाले हैं, चाहे रेड़ी पटरी लगाने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए 15,000 रुपया महीने का इंतजाम होना चाहिए। और 15,000 रुपया महीने पर यदि मासिक हमारी 1 महीने की तनख्वाह है तो उसका आधा हमारा पेंशन होना चाहिए। आधे का मतलब तो 7,500 होता है, लेकिन अभी गीता जी ने कहा, अभी हमारी दूसरी बहनों ने कहा, हम 5,000 से कम नहीं लेंगे, पेंशन का अधिकार 5,000 रुपया और 1 महीने की तनख्वाह 15,000 रुपया, 1 दिन की दिहाड़ी 500 रुपया, ये हमारी मुख्य मांग है। हमारे बच्चों की पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी पढ़ाई। अमीर के बच्चे कारों में बैठ के गिट पिट अंग्रेजी बोलते हुए पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, और हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है ना। ऐसी बुरी हालत है सरकारी स्कूलों की, मास्टर आता नहीं पढ़ाने के लिए, और हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, मजदूरी करने के लिए मजदूर हो जाते हैं, अमीरों के बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश के तमाम बच्चों को एक जैसी पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी जो गीता बहन ने बात कही, आखिरी बात आप सब कान खोल करके सुन लो, ये सरकार पीने का पानी नहीं दे सकती, साफ साफ पानी पीने के लिए, दवाई खाने के लिए दूध का इंतजाम नहीं कर सकती, लेकिन ये बेईमान सरकार शराब के ठेके खोल करके हमारे गरीब बच्चों का खून निचोड़ करके बोतल में बंद करके हमारे गरीब भाइयों को पिलाती है, बेहोश करके उनको लूटती है और ठगती और बर्बाद करती है।
हमें ये शराब के ठेके नहीं चाहिए। तमिलनाडु से शुरू हो गया, केरला में शुरू हो गया, अभी मैं दूसरे प्रांतों से आ रहा हूँ, पूरे भारत के अंदर आसाम से लोग आए हुए हमारे आंदोलन में, पूरे भारत में हम शराब बंद करवाएंगे, शराब के ठेके बंद कराएंगे, शराब के कारखाने बंद कराएंगे। और ये मेरी माँ बहन, मेरी बेटियां जो आगे बैठी हैं इतनी बड़ी संख्या में, ये इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगी। तैयार हैं आप लोग? तो जरा मुट्ठी बंद करके मेरे साथ नारा लगाओ। मैं कहूंगा शराब पीना, आप कहेंगे छोड़ दो, और शराब की बोतल फोड़ दो, और शराब के ठेके तोड़ दो। ठीक रहेगा? बढ़िया रहेगा ना? सब तैयारी कर लो, वापस जाते तोड़ना शुरू करो, मुट्ठी बंद करो, शराब पीना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, शराब की बोतल शराब की बोतल शराब के ठेके शराब के ठेके। और जो सरकार शराब पिलाती है, ठेके खोलती है, कारखाने को लाइसेंस देती है, उसके बारे में भी नारा सुन लो, शराब पिलाए जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल रही है। बस ये नारा गांव गांव में गुंजा दो, ये सरकारें हिल जाएंगी, शराब बंद होगी, और मेरी माँ बहन आशीर्वाद देगी, मेरी बेटी आशीर्वाद देगी, देश में अपराध बंद हो जाएंगे, एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे, बीमार मरने वाले कम हो जाएंगे, और देश नया बनेगा। इस तरीके से हमें देश को आगे ले चलना है। गरीब और अमीर के बीच की खाई चौड़ी हो रही है, हम साफ साफ कहना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत में एक सूट पहना, सूट पैंट और कोट पहना, वो कितने का था? शुरू में बताया गया कि वो 10 लाख रुपए का है, बाद में जब उसको बेचा गया, नीलामी हुई, तो 4.5 करोड़ रुपए में बिका हुआ। 4.5 करोड़ रुपए का नरेंद्र मोदी जी का सूट, क्यों? उसमें सोने में तार खींचे हुए थे, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था उसके सूट के ऊपर, सोने सोने के तार से। आज हम साफ कहना चाहते, नरेंद्र मोदी जी तुम्हें शोभा नहीं देता इस गरीब देश के अंदर, जहां बच्चों के शरीर पर एक सूत का कपड़ा नहीं है, तुम सोने के तार लेकर के सूट बनवाते हो, पहनते हो उसको, और गरीबी के ऊपर मजाक करते हो। ये काम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम साफ साफ कहना चाहते हैं, एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सोने के तार खींचे और एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली देखो, दिल्ली में पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी और हमारा घर 10 हाथ का घर, 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। जिसने हल की सूरत देखी नहीं, जिसने हल की सूरत देखी नहीं, वो हकदार हजारों बीघे का, और हल्के संग हस्ती मिटा रहा, एक बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। हम एक नया समाज बनाना चाहते हैं, हर इंसान को बराबर का मकान, बराबर की पढ़ाई, बराबर की दवाई, हर चीज में बराबरी, इंसान और इंसान एक समान, मानव मानव एक समान, ये नारा लेकर के अब हम लोग हर साल 5 अगस्त को पार्लियामेंट स्ट्रीट के इसी जगह पर इकट्ठे होंगे। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। मैं कहूंगा संपूर्ण क्रांति अब नारा है, आप कहेंगे भावी इतिहास हमारा है। जयप्रकाश नारायण ने यह नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है। हम जात पात मिटा करके रहेंगे, औरत और मर्द के बीच की खाई को पाट के रहेंगे, अमीर और गरीब के बीच में जो विषमता है इसको मिटा करके रहेंगे, और नशा मुक्त बना करके, शराब सिगरेट बीड़ी गुटखा ये सब किस्म बदमाशी के अड्डे, इनको मिटा करके, इनको तोड़ करके एक नया भारत, एक नई दुनिया बना करके दिखाएंगे। कोई सांप्रदायिकता के दंगे नहीं होने देंगे भारत के अंदर, कोई मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं होने देंगे। सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मस्जिद ये हमारा शरीर है, इसी में हम बैठ करके अपने परमात्मा अल्लाह का ध्यान करेंगे। हम बाहर के अल्लाह और मंदिर और मस्जिद, इनके झूठे झगड़ों में नहीं पड़ने वाले।
हम मिलकर के एक नया समाज बनाने के लिए एक बहुत बड़ा संगठन जो असंगठित कामगारों का घोषणा पत्र लेकर के आए हैं। मुझे विश्वास है आज आपका यहाँ पर आना एक नई शुरुआत की तरफ पूरे भारत को क्रांति की तरफ ले जाएगा। अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने बहुत अच्छा पत्र लिख करके हमारे आंदोलन को अपना पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। अंग्रेजी में ये पत्र है, मैं ये कल पत्र हमारा जो अधिवेशन होगा दो दिन का विश्व योग केंद्र में वहां पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि भारत के उपराष्ट्रपति ने पूरी तरीके से हमारे आंदोलन को, हमारी मांगों को अपना पूरा समर्थन दिया है। और भारत का उपराष्ट्रपति यदि हमारे साथ खड़ा है तो हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, अपना हक लेकर के रहेंगे। कमाने वाला जोर से खाना है तो जोर से, कमाने वाला और लूटने वाला और नया